बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम और फजल से आपकी दुआओं के साथ मैं बिल्कुल हरियत से हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब देखने सुनने वाले हैरोगियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी नहमत रहमत के साए बनाए रखे और हर मुश्किल परेशानी से दूर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ आज 17वां रमज़ान है और रोज़े माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, खूबसूरत, अच्छे और सुकून गुजरे हैं जी। और पाकिस्तान में आज बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, झाड़ बने हुए हैं, गर्मी नहीं है। पिछले दो दिनों में गर्मी थी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जा रहा हूँ, गाड़ी का एक वाल वाला है वो चेंज करवाने के लिए, तो आए चलते हैं। पिंजरे के अंदर आ गए हैं दोस्तों, ये हैं जी। ठीक है नासिर साहब, कैसे हैं? नासिर है जी मेरा भांजा माशाल्लाह। और ये इन तितरों को वाल बोस रहा है और बड़े शौक से इसने रखे हुए हैं। नासिर कितने तितर हैं? 15 ये। और अंडे कितने दिए हुए हैं इन्होंने? इतने 5 दिए हैं, इतने 2। हाँ, कोई फाइट फूट भी करते हैं या नहीं? करते हैं। हाँ, अभी ये बोल के क्यों नहीं रहे? और ये इसके अंदर क्यों है? इसने 5 अंडे दिए हैं। 5 अंडे दिए हैं ये? अच्छा, इन्होंने 2 दिए हुए। कुल मिलाकर कितने हो गए? ओ माशाल्लाह, वेरी गुड। ये देखो काले तितरों का जोड़ा। हाँ, ये तितरी है। तितर को भी बाहर निकालो, वो डार के अंदर चला। ये डरते बहुत हैं। डरते बहुत हैं, वो वाला। इन दोनों की आवाज़ है कि जैसी ये काले तितर की और इसकी? नहीं, काला तितर की। काले तितर के बारे में सुना जाता है दोस्तों कि ये जिस भी घर में हो, जादू टूना उस पे, उस घर पे, उस घर के रहने वाले लोगों पे बहुत कम होता है। वाला अलग, ये बात अभी सच्ची है। वो जब ये बोलता है इसकी ट्विन सुबहान कुदरत जैसी निकलती है। अभी ये बोल तो नहीं रहा वरना हम सुनते। ये तो काफी मोटे ताजे हैं। ये भी मियां बीवी है। हाँ, मेरी कोशिश है कि ये बोलें, इनकी ट्विन इनकी आवाज सुने, काले की भी और ये रते तितर की भी। अभी करना ऐसा है कि मोबाइल फोन पे ट्विन लगाते हैं तितर की, फिर हो सकता है बोलें। दाना पानी इनको दे दिया है। इनको सर हो गया। ये जो जोड़े हैं दोस्तों, इनको इनके कमरे में इसलिए बंद किया हुआ है कि इनका अभी अंडे देने का टाइम है। अगर इनको बाहर निकाला तो ये आपस में फाइट करना शुरू करते थे और लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक एक दूसरे को मार ना दे। इसलिए इनको साइड पे बंद रखना लाजमी है, क्योंकि इनका भी बहुत एहतियात का टाइम है। जब इनके अंडे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, फिर ये फ्री हो जाएंगे। ये बहुत आपस में लड़ाई करते हैं। और ये हैं जी हमारे भाई अख्तर साहब, हमारे ब्रदर हैं लोग हैं और मामूजाद भाई भी हैं। माशाल्लाह ग्रीस से आए हुए हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आके? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पैसे होने चाहिए तो जिंदगी पाकिस्तान नहीं है। कोई आप बीती गल दस दो साढ़े परदेश रहने वाले भाइयों, पैसे कमान ते कमा के बिजनेस अपना करन ते जबरदस्त जिंदगी है। और पैसे ना होन तो फिर इतना जी जलाला था कोई नहीं। अच्छा जी, चलो जी अभी चलते हैं मैकेनिक के पास। प्यारे दोस्तों, नहर नहर ऊपर जलम, पानी आज इसका बहुत गंदा हुआ है, बारिश हुई है कहीं। और वो जो है ट्रेन का पुल है, इधर से भी ट्रेन आनी है। आगे जीटी रोड है, जो पुल बनना था, जो सियासत की नज़र हो गया, उसने इधर से गुजर कर जाना था वो आगे तक। लेकिन पाकिस्तान में बदलती हुकूमतों ने जो आवाम का सत्यानाश किया हुआ है, वो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पे इतना रश लग जाएगा। ये बस भी इधर लगी हुई है और ये हमारी गाड़ी है और ये अभी ट्रैफिक जाम हो गई है। अगर ये पुल बन जाता तो यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत सारी आसानी हो जानी थी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਕਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਰ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋਣੀ,
बहुत ज्यादा सहूलत है जी आवाम खलोती है इतना इन खिलोना नहीं पैना एमरजेंसी भी जाना पवे तो कोई टेंशन नहीं बंदा इंतजार नहीं करना पैना इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा बन जाएगा हूँ इसका काम बहुत थोड़ा रह गया पिलर शिलर बन गए सिर्फ स्लेपा जी अपर रखनी ने वो रह गई जी बिल्कुल अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में जो आने वाली हुकूमत है या जो मौजूदा हुकूमत है अल्लाह उनको हिदायत दे और ये यहाँ के रहने वालों को ये सूरत मिल जाए ताकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर जिले ख्वार लोग होते हैं वो बचें। ये देख लें जी ये फाटक 15 मिनट बंद रहेगा। देख लो रेस शुरू हो गई है किसी ने नहीं देखना कि मेरी साइड कौन सी है और उनकी कौन सी है। ये बंदे भी दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए हैं और उधर वाली जो ट्रैफिक है वो भी दरवाजे के सामने इकट्ठी हो गई है तो अभी अपना रास्ता खुद ही ढूंढना है तो खुद ही निकलना है इधर से। पिल्ला जी उसी मंसूबे की जेरे तामीर निशानी है अल्लाह करे ये मुकम्मल हो जाए। कैसे हो हैदर अली जी? यहाँ पे मैकेनिक का काम सीख रहे हैं। मैकेनिक बन गए? इलेक्ट्रीशियन सीख लिया। डिग्री टाइम मैकेनिक साहब की दुकान पे हम पहुँच आए जी। माशाल्लाह ये सारे माशाल्लाह बेहतरीन अपने अपने हुनर के कारीगर हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? बदर खान। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन का काम है। ये भाई साहब इलेक्ट्रीशियन के आप भाई? मेरा नाम ताहिर मुनीर है, मीरपुर से हूं मैं। मीरपुर से? मैं यहां गाड़ी ठीक करवाने। माशाल्लाह ये अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाने आए हैं। ये है जी हमारे अजीज। कहां तक काम सीखे आए आप? मुकम्मल काम सीखा। माशाल्लाह इलेक्ट्रीशियन का जबरदस्त। और आप भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुमाइल। मोहम्मद जुमाइल क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रीशियन। आप भी इलेक्ट्रीशियन है? माशाल्लाह जबरदस्त जी। और ये इनकी दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कारीगरों का कोई सानी नहीं है। इसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि यूरोप की किसी भी शॉप पे आप चले जाएं बिना अपॉइंटमेंट के आपको काम नहीं करें के देंगे। आपको महीना या एक हफ्ते की अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। मैन बाजार सराय आलमगीर है जी। ये जीटी रोड बारिया की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और इस तरफ जेलम आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जीटी रोड जा रही है और ये मैन बाजार है। माशाल्लाह आज मौसम बहुत ही प्यारा ठंडी ठंडी हवा चल रही हुई है और गर्मी का बिल्कुल आज इतना जोर नहीं है। थर्मोस्टेट वाल लगवाने के लिए जी अब मैकेनिक के पास आ गए हैं। थर्मोस्टेट वाल है जी ये मैं लेकर आया ये लगवाने। क्या नाम है उस्ताद जी तेरा? आप देखें वसी कैसर कितने ले हो? अरे शकरीले। तुसी भी शकरीले ले हो? क्या ये काम है?